IMF ने कंगाल पाकिस्तान को दी बड़ी चेतावनी। अब इस मुसीबत से कैसे निपटेंगे इमरान खान? कंगाली की कगार पर खड़े पाकिस्तान की मुश्किलें खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक और जहां पाकिस्तान इन दिनों आर्थिक बदहाली, महंगाई और भारी कर्ज से जूझ रहा है, तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF की जो रिपोर्ट सामने आई है, उससे पाकिस्तान में इमरान सरकार की मुसीबतें और बढ़ सकती हैं। दरअसल IMF ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा है कि मौजूदा वित्तीय वर्ष 2019-20 में पाकिस्तान में बेरोजगारी में वृद्धि होगी। IMF ने पहले के अनुमान को दोहराते हुए कहा कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था में मौजूदा वित्तीय वर्ष में महज 2.4% की दर से वृद्धि होगी। अपनी वर्ल्ड आउटलुक रिपोर्ट में IMF ने पाकिस्तान अर्थव्यवस्था में सुस्ती की ओर स्पष्ट संकेत देते हुए कहा है कि पाकिस्तान में मौजूदा वित्तीय वर्ष के दौरान बेरोजगारी की दर 6.1% से थोड़ा बढ़कर 6.2% हो जाएगी। IMF ने कहा है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था साल 2020 में महज 2.4% की दर पर ही रहेगी। महंगाई भी चिंताजनक 13% के स्तर पर रहेगी। कुल मिलाकर निम्न स्तर की आर्थिक वृद्धि के संकेत मिल रहे हैं कि पाकिस्तान में बेरोजगारी और गरीबी में लगातार बढ़ोतरी हो सकती है। हाल ही में विश्व बैंक की ओर से एक रिपोर्ट में भी कहा गया है कि 2001 के बाद से ये पहली बार हुआ है कि पाकिस्तान में गरीबी को कम करने के प्रयास को रोका गया है। इससे पहले पाकिस्तान सरकार में मंत्री फवाद चौधरी ने कहा है कि लोग नौकरियों के लिए सरकार की तरफ ना देखें। उन्होंने यहाँ तक कहा कि सरकार लोगों को रोजगार मुहैया नहीं करा सकती, इसके बजाय मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि सरकार 400 विभागों को बंद करने जा रही है। पाकिस्तान सरकार का ये ऐलान उनके चुनावी वादे से ठीक उलट है, जिसमें उन्होंने देश में 1 करोड़ नए रोजगार के सृजन के वादे के साथ सत्ता में आई थी। हालांकि फवाद चौधरी के नौकरी से जुड़े इस बयान के बाद उनके देश में हंगामा मच गया और विवाद बढ़ता देख उन्हें सफाई देने के लिए सामने आना पड़ा। अपनी सफाई में फवाद चौधरी ने कहा कि मीडिया में उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है और इस बयान के साथ भी ऐसा ही हुआ है। अब इमरान के मंत्री ने भले ही अपने बयान पर यू टर्न ले लिया हो, लेकिन IMF ने पाकिस्तान को लेकर जो आशंका जताई है, उससे उनकी सरकार कैसे निपटेगी? इंडिया न्यूज़ पैनल की रिपोर्ट।